यादव है, आप सभी का टीएलडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी के कटाफ के बारे में बात करेंगे। ग्रुप डी कटाफ के बारे में बात करें, जैसे जून वाइज कह रहे हैं, जहां बच्चे ज्यादा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहां के कटाफ में थोड़ा इंक्रीज होगा। जैसे हम बताए हैं जनरल कटाफ 60 से 70, ओबीसी का 50 से 60, एससी का 40 से 50। तो जहां ज्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप किए होंगे वहां के कटाफ में थोड़ा ये 5 नंबर इंक्रीज हो सकता है। 5 नंबर इंक्रीज होगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। जैसे बच्चे अहमदाबाद में, इलाहाबाद, वहाँ के कटाफ में 5 नंबर अधिक हो सकता है, और जहाँ कम बच्चे भरे होंगे वहाँ कम भी हो सकता है। मतलब जनरल का कटाफ 60 से 70 के बीच में लाई करेगा, और ओबीसी का भी कटाफ वैसे ही है, इसमें 5 नंबर इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ओबीसी का भी 50 से 60, क्योंकि बच्चे बहुत फॉर्म पेपर है, बहुत बच्चे छोड़े हैं, कम से कम 40% बच्चे पेपर छोड़ दिए हैं, सिर्फ 60% बच्चे पेपर दिए हैं। इससे पता लगता है कि ओबीसी का भी कटाफ 50 से 60 जाएगा। बच्चा एससी के कटाफ में भी 40 से 50 ही जाएगा, क्योंकि इनके भी अगर 5 नंबर जोड़ दें इसी हिसाब से रहेगा। जिन बच्चे का इतने नंबर के बीच मिलाई करता है वो बच्चे अपना रनिंग स्टार्ट कर दें। हाँ, आप लोग को एक सूचना देना चाहता हूँ, हमारे केयरली क्लासेस में अच्छा अच्छा वीडियो पढ़ रहा है, करंट अफेयर हुआ, मैथ का हुआ, रीजनिंग का भी पढ़ने वाला शुरू हुआ है। और आपके लिए एक अच्छा न्यूज है कि आईईआरटी और पॉलिटेक्निक, आईईआरटी और पॉलिटेक्निक की नई बैच स्टार्ट होने वाला है 10 जनवरी से। तो जो बच्चे हों जैसे आपके संपर्क में उन्हें बता दीजिए, क्योंकि पूरे YouTube पे IIT पॉलिटेक्निक की कोई तैयारी नहीं करवाता। तो 10 जनवरी से हम लोग ऑनलाइन रहेंगे और आप लोग को पॉलिटेक्निक IIT की बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे, और हम लोग अच्छा स्कोर किया जाएगा, ठीक है। और अच्छे अच्छे टीचर हैं यहाँ पे, सब एक्सपीरियंस वाले हैं 2 साल के, ठीक है। थैंक्स, और हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।